40-45 साल से कांग्रेस की हुकूमत है, आज भी हम लोग गंदा पानी, वही पानी पीते हैं जो गटर का था, वैसा पानी हम लोगों को आज मिलता है। हम लोगों को बार गुलबर्गे में हिंदू मुसलमानों को हम सबको इत्तेहाद में आकर एक फैसला लेना है कि जब भी मार्केट में कोई मसला आता है, जनता दल पार्टी की तरफ से हम लोग नासिर हुसैन उस्ताद की टीम आप लोगों के लिए हमेशा उतर कर आपके हक के लिए लड़ते आई है। This video presented by Bakers Public School Gulbarga. Your kids deserve the best education. Interactive and engaging activities, holistic teaching and learning. 2023 admission are in progress, nursery to grade 9. Address behind KNZ Garden Function Hall, Ring Road, Gulbarga. जो 5 साल हमारे गुलबर्गा नॉर्थ के गुजरे हुए हैं, जो फेलियर्स हुए हैं, यहाँ पर हम वो चीजों को सामने रखना चाहते हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनता दल पार्टी मर्द और औरत के क़ियादत में फ़र्क नहीं करती। हम लोगों के लिए मर्द और औरत एक समान है। जितना एक मर्द उससे ज़्यादा हम एक औरत की इज्जत करते हैं। पर माहौल और हालात गुलबर्गा, कर्नाटक और हिंदुस्तान के ऐसे बदल रहे हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम का प्लेकार्ड किया जा रहा, डेवलपमेंट की बात की गई तो वहां पे जात धर्म को बीच में लाया जा रहा। तो हम नौजवानों का फर्ज बनता है कि रोड पे उतरे और लोगों में ये इंतजार होने से बचाए, ये लोगों को बताए कि हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम पूरे एक हैं और हम सबको मिलकर गुलबर्गा, कर्नाटक और हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। गुलबर्गा नॉर्थ, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, गुलबर्गा कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये कांग्रेस और बीजेपी की हुकूमत में आप बताइए मुझे क्या डेवलपमेंट प्रोसेस आया। गुलबर्गा नॉर्थ में 40-45 साल से कांग्रेस की हुकूमत है, आज भी हम लोग गंदा पानी, वही पानी पीते हैं जो गटर का था, वैसा पानी हम लोगों को आज मिलता है। हम लोगों को आज कई सारे बच्चे एजुकेशन में पीछे हो गए। एजुकेशन की अगर बात करें तो आप रेशियो निकाल के देखिए, तालीम और एजुकेशन में हम लोग 40% पीछे हो गए और इलिटरेशन बढ़ गया। ये इसलिए बढ़ गया क्योंकि स्कूल्स की और कॉलेज की फीस ज़्यादा हो गई। जो गरीब मुस्तहिक है वो लोग इतना फीस कहाँ से लाएंगे, लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे। मजबूरन वो लोगों को अपने बच्चों की एजुकेशन को डिसकंटिन्यू कराकर वो लोगों को कारोबार पे बच्चों को लगाना पड़ रहा। याद रखिए, कोई माँ बाप, चाहे वो बंडी लगाने वाला हो, ऑटो चलाने वाला हो, छोटा कारोबार करने वाला हो, छोटी होटल लगाने वाला, वो कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा या उसकी बेटी यही कारोबार करे, हमारे बंडी पे आके यही कारोबार बढ़ाए। वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, वो भी चाहते हैं उनके बच्चे एजुकेशन में क्वालिफाइड होकर डॉक्टर बने, IAS ऑफिसर बने, पुलिस डिपार्टमेंट में जाए, वो लोग भी चाहते हैं। मगर ये मौजूदा हुकूमत, ये नाकारा हुकूमत, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, एजुकेशन सेक्टर को कभी इंपॉर्टेंट दिया नहीं गया। अगर आज गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर अच्छे होते, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की फैसिलिटी अच्छी रहती तो कोई बच्चे, कोई गरीब अपने बच्चों को डिस्क्वालीफाई नहीं कराता था। इसलिए ये हुकूमत का काम है। हुकूमत का काम ये भी है कि जब कभी किसी के घर में बच्चा पैदा होता तो वो बच्चे का खाना पीना, रहना, उसके एजुकेशन, उसका जॉब, उसकी शादी, अगर कोई लड़की है तो उसकी शादी का, ये यहाँ तक के उसकी जॉब एम्प्लॉयमेंट का भी हुकूमत की जिम्मेदारी है ये चीज़ें मुकर्रर करना। मगर ये जो फेलियर हुकूमत है, बीजेपी और कांग्रेस, ये लोग कभी ये चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिए। ये हुकूमत एक 40% और 20% की सरकार है। 40% और 20% में आप बताइए आपके बच्चों के कैरियर और बच्चों के मुस्तकबिल को ये लोग कैसे डेवलप करेंगे। पॉलिटिशियन लीडर का काम है जिसको हम चुन के लाते हैं, वो हम हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए चुन के लाते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत देखिए आप गुलबर्गे में जाके, कोई नहीं चाहता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी का ट्रीटमेंट हो। जो बहुत ज्यादा मुस्तहिक है वो लोग मजबूरन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं। हम लोग गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हर मसले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते, वहां पर ना डॉक्टर्स की फैसिलिटी, ना नर्सेस की फैसिलिटी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी। क्या हुकूमत का काम नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सही किया जाए? वहां पे फैसिलिटी ना रहने से यही गरीब मुस्तहिक लोग मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल को जाना पड़ता, जहां पे लाखों रुपए इनको देना पड़ता। कई ऐसे लोगों को मैं हम लोग देखे जो पैसे ना होने के खातिर अपना इलाज तक नहीं करे, मरने का इंतजार करते। ऐसे लोग, शर्म आना चाहिए यहां की हुकूमत को।
और जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात, कई सारे बच्चे आज गुलबर्गा में बेरोजगार है। क्या मौजूदा हुकूमत, चाहे वो कनिष्ठ मैडम फातिमा हो या बीजेपी से अप्पू गौड़ा हो, क्या इनका काम नहीं था कि गुलबर्गे में रोजगारी को लाया जाए, गुलबर्गे में फैक्ट्रीज को लाया जाए? हम लोग मजबूरन घर छोड़कर हम लोगों को बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, गल्फ कंट्री, फॉरेन कंट्री जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे रोजगारी नहीं है। हम लोग जाते, हमको उसकी तकलीफ का अंदाजा, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, दोस्तों को, हिंदुस्तान के कल्चर को छोड़कर हम लोगों को वहां पे जाना पड़ता नौकरी करने के लिए। वहां पे जो रहते वो लोग समझते कि यहाँ पे बैठ के जो फेसबुक पे कमेंट करते हैं, ये लोगों को ये बात का एहसास नहीं है कि कितनी तकलीफ से हम लोग वहां पे नौकरी कर यहाँ पर पैसा बेचते। तो यहाँ की मौजूदा हुकूमत, कांग्रेस का एक आईटी मिनिस्टर बना था, क्या उसका काम नहीं था यहाँ पर इंडस्ट्रीज को लेकर आए, सॉफ्टवेयर कंपनीज को लेकर आए? ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग कमर्शियल सोच के लोग हैं, इनके दिमाग में सिर्फ पैसा भरे हुआ है, इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, इंसानियत से मतलब नहीं है। इसलिए ये इनके फेलियर से बताने के लिए, कोरोना कोविड के टाइम पे आप बताइए, सोशल वर्कर्स को छोड़कर कौन से पॉलिटिकल पार्टी रोड पे उतरी, लोगों की मदद करी? एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं थी, सोशल वर्कर्स, हम जैसे लोग, जनता दल पार्टी की टीम, हम लोग अपने प्राइवेट गाड़ियों में कोविड पेशेंट्स को लेकर गए हॉस्पिटल में। कई सारे लोगों का इंतकाल, डेथ हुआ, वो लोगों को हम हमारे गाड़ियों में लेकर आकर उनकी तकफीन का काम किए। कहाँ थे ये लोग? ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग मारे मारे फिर रहे थे, परेशान थे। कहाँ थे ये मौजूदा हुकूमत, ये बीजेपी और कांग्रेस, गुलबर्गा नॉर्थ और गुलबर्गा साउथ? कई सारे लोगों का इंतकाल हुआ, कई सारे बच्चे यतीम हुए, मगर आज हमारे लोग पैसे चाहिए वोट के लिए। कोविड में इतने लोग मरे, वो छोड़ दो मर गए होंगे, मगर हमको पैसे चाहिए इलेक्शन में। हम लोग बंडियों का मसला है यहाँ पर, मार्केट से ये लोग हटा रहे, कॉरपोरेशन कमीशन ये लोग हटा रहे, नहीं वो खत्म हो गया, अब हमको पैसे चाहिए वोट डालने के लिए। खवातीन, हमारे बच्चे परेशान है, हमको स्कॉलरशिप नहीं मिली, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, हमको पेंशन नहीं मिल रहा, वजीफा नहीं मिल रहा, हम परेशान है, मगर इलेक्शन है जब, हमको वोट के पैसे चाहिए। आप लोगों की ये बुजदिली की वजह से, आप लोग ये जो वोट के पैसे लेते हैं उसकी वजह से आज हमारे पास ये बेरोजगारी आई है, आज हमारे बच्चे क्राइम के तरफ जा रहे, नशा के तरफ जा रहे। अगर आप लोग जना मरहूम खमर उस्लाम साहब बोले कि मार्केट में कोई मसला आया तो पहले जाके थैरो बनकर, जब ये लोगों को हटाया गया, जब कहा था इन, जब कहा थे ये कांग्रेस के लोग, बंडी के लोग परेशान होकर 45 दिन तक ये लोग बंडी नहीं लगा सके और मैडम के घर पे जाते रहे ये लोग, जब कहां पे थे लोग, जब कभी भी एक होम के ऊपर परेशानी आती, जब किसी को इनकी जरूरत पड़ती, मैडम बेंगलुरु में रहते, हैदराबाद में रहते, यहां पे रहते। अगर इनको बेंगलुरु हैदराबाद जाना था तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे? ताज्जुब की बात तो यह है कि अभी भी वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे, इतने फेलियर्स होने के बाद भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे, ताज्जुब की बात है। बहरहाल यहाँ पे जितने भी वोटर्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, सोच समझ के ये बार वोट दीजिए। ये इलेक्शन नासिर हुसैन उस्ताद का इलेक्शन नहीं है, याद रखिए, ये इलेक्शन आप लोगों का है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये इलेक्शन है। अगर आप के बच्चों का आप अगर बच्चों का मुस्तकबिल बनाए तो याद रखिए, आपके पड़ोसी जो परेशान और गरीब है उनके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। हम लोग ऐसा लीडर चाहते हैं जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर की इंप्रूवमेंट की बात करें और वो लेकर आए। हमको ऐसे नाकारा एमएलए या ये लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ कमर्शियली सोचे, 20% 40% सोचे। किसी को भी अगर एक काम के लिए लेटर हेड भी होना है तो ये लोग पैसे लेते हैं, ऐसे लोगों को हम चुन कर लेकर आए। हम लोग भी दिए थे कनिष्ठ मैडम फातिमा को माँ का दर्जा, मगर ये माँ, याद रखिए, या पूरे बंडिया वाले हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, ये माँ सिर्फ अमीर लोगों की माँ है, ये माँ सिर्फ गुत्तेदारों की माँ है, ये माँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की माँ है, गरीबों की माँ नहीं है ये गरीबों की माँ नहीं है ये। और हमको नहीं चाहिए इसी माँ, हमारी माँ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी माँ है, नहीं चाहिए हमको इसी माँ। इस बार हमको चाहिए एक लीडर, एक खायद चाहिए हमारे को, नासिर हुसैन जैसा खायद चाहिए। नासिर हुसैन के उस्ताद के साथ साथ उनकी ऐसी टीम है जो हमेशा आपके मसले मसाइल में आकर ठहरी हुई है, हमेशा लड़ी हुई है आपके साथ और कभी पीछे खत्म नहीं उठाई। इसलिए आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, ये बार सोच समझ कर वोट दीजिए, जनता दल पार्टी को इख्तियारी मिलाइए। याद रखिए, रीजनल पार्टी, जनता दल पार्टी, इट्स ए कन्नड़ी का पार्टी, ये हमारी जागीर है,
कांग्रेस बीजेपी जैसा अंग्रेज आकर हिंदुस्तान को लूट के चले गए, इसी तरह ये लोग आकर कर्नाटक की इकोनॉमी को लूट के चले जा रहे। ये इकोनॉमी क्या इनके पाप की इकोनॉमी है? ये पैसा हम लोगों का है। एक छोटा बच्चा चॉकलेट खाता ना, उसके भी टैक्स ये लोग पे करते। ये हमारा पैसा है। हमारे पैसों को ये लोग गलत गलत ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कर कर ये लोग जिता के ला रहे। बीजेपी पार्टी ये कि कांग्रेस की पार्टी है, परसों स्पीच में बोलता है कि गुलबर्गा पाकिस्तान बनता था अगर मोदी नहीं आते तो। आप बताइए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हम सब लोग मिलकर काम करते, सब लोग मिलकर काम करते, कभी हम लोग इख्तदार ले, कभी हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात करें। ये कैंडिडेट बीजेपी का बोलता है गुलबर्गा पाकिस्तान बनता था मोदी अगर नहीं आए तो। मोदी आने से पहले क्या पाकिस्तान हुआ था गुलबर्गा? इससे इसकी घटिया सोच मालूम होती है, इससे इसका एक एजेंडा मालूम होता है कि हिंदू मुसलमानों के बीच में फसाद डालना चाहता है। क्या आप लोग ऐसे बीजेपी कैंडिडेट को जिता कर लाएंगे जो हमारा जो हिंदू मुसलमान का भाईचारा है, जहां पर हम सब मिलकर रहते हैं, मिलकर कारोबार करते हैं, हिंदू मुस्लिम को जिताता है, मुस्लिम हिंदू को जिताता है। ऐसे वक्त में, ऐसे टाइम में, ऐसे जो क्रिमिनल सोच रखते हैं, ऐसे बीजेपी हुकूमत बंदे को जिता कर लेकर आएंगे आप लोग? इस बार आप लोगों को सोच के फैसला लेना है। इस बार गुलबर्गे के हिंदू मुस्लिम को सारे जात धर्म वालों को इत्तेहाद में आना है। पैसों की साथ दीजिए, कुमार सर का साथ दीजिए, नासिर हुसैन उस्ताद का साथ दीजिए, और इस बार हम लोगों को जनाब नासिर हुसैन उस्ताद को भारी मात्रा से जिता के लाना है। बस आपसे यही उम्मीद करता हूँ, जो भी करिए सोच समझ के करिए। बस इतना कहता हूँ, तकलीफ है दिल में, वो तकलीफ को आप लोगों के सामने जाहिर कर रहा हूँ मैं। याद रखिए, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हम सब लोग हैं।